और 12:30 बजे हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज अंडेट। आपको बता दें, 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। परिवार वाले हैं और रात को उसे ऑटो में बिठाकर लेके गए थे और यहाँ पे परिवार वाले आए हैं। कौन लेके गया था, कहाँ लेके गए थे, ये सब पूछेंगे। परिवार वाले के बारे में बातचीत कर लेते, देख सकते हैं। और काफी गंभीर आरोप इन पे लगाए जा रहे हैं। 12 साल की नाबालिग बच्ची है जिसके साथ रेप का आरोप जो है लगाया जा रहा है। ये खुद बताएंगे आगे की जुबान। ठीक है, क्या हुआ सर? वहाँ पे गए हैं, थाने में रिपोर्ट करवाई है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लड़की को डरा रहे हैं, 16 सेक्टर में महिला थाना। मान जी, ये बताइए कब गई थी घर से? घर से 9:30 बजे गई थी, 12:30 बजे वहाँ पे छोड़ा गया चाय की दुकान पे। फिर वहाँ पे हम किसने दिया जी? चाय वाले ने दिए। अच्छा। वो जानते हैं हमारे रोड पे ही है चाय वाले की दुकान। उन्होंने फोन करा, आपकी लड़की यहाँ पे है और आप आ जाओ, अपनी लड़की को लेके चले जाओ। वहाँ से हम लड़की को लेके आए, महिला मंडल लेके गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद पूरी खून में लथपथ, बुरी हालत हुई पड़ी थी, बेहोश थी बिल्कुल। कौन ले गया? किसने? वहाँ पे एक लेडीज ने बुलाया, वो पास ही रहती थी, अब नहीं रह रही वहाँ पे किराए पे। उसकी कॉल आई थी, उसने वो कॉल भी डिलीट विलीट पता नहीं किसने कर दिया, किसने नहीं, पुलिस वालों ने ले लिया उसका फोन। किसने? कौन सी वाली? बुलाने वाली बात किसने बताई? ये बुलाने वाली लड़की ने बताई है। हाँ जी, फिर क्या हुआ? आप थाने में गए? पुलिस थाने में गए, पुलिस ने पहले फोन छीन लिया। फोन हमारा हमारा जो उस लड़की के पास था, वो फोन छीन लिया, जो घर का पापा का फोन चलाती थी। वो फोन में उसने देखा था, कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद उसे पूछा गया था, बोल रही है कि इसको कुछ नहीं है। फिर कैमरे चेक करें, वहाँ पे हमारी गली में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में देखा है ऑटो का नंबर मिल रहा है और लड़के भी पकड़े गए, ऑटो भी पकड़ रखा है, पर हमारी ना कोई बात हो रही है ना कुछ, और हमें गुमराह करा जा रहा है और बोल रहे हैं कि जी जाओ तुम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बी के लेके आए, हमारी लड़की को छोड़ भी नहीं रहे, लड़की को पकड़ रखा है। और मेडिकल हो गया? मेडिकल हो गया? मेडिकल करवाने लाए थे, पता ही नहीं हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से लेके चले गए? हाँ जी, धमकी भी दी गई है, लड़की को डरा रहे हैं, बोल रहे हैं तेरे बाप को जेल पहुंचा देंगे, तेरी बहन को जेल पहुंचा देंगे। और करंट भी कह रहे, करंट लगा, सच बोल, करंट लगा सच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसके संग गलत हुआ है उसी से बोल रहे हैं। यहाँ देखा मेडिकल हुआ है? जब यहाँ पे आए बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और वो लड़के बैठा रखे, ना हमारे को दिखाया जा रहा, नहीं कुछ। लड़के के साथ उसे कोई परिजन है? माता पिता भाई बहन कोई है उसके पास? हाँ जी, बहन है। वहाँ पे कोई भी नहीं है। और बाप से बोल रहे हैं कि तुझे जेल पहुंचाएंगे, तेरी बेटी को जेल पहुंचाएंगे। अभी जब बादशाह खान यहाँ लेके आए थे, मेरी बात सुनो, जब अभी यहाँ लेके आए थे तो उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला कि हमें साथ चल रहे हैं हमारी को बेटी से? हमने बोला था, हाथ पकड़ के ले गई कार में बैठा के, बोल रही नहीं बैठाऊंगी, गेट बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया, धक्का दे दिया इसके बाप को। हाँ जी, धमका रहे थे इसके पिताजी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे धमकी दे रहे हैं कि तेरी लड़की को तो जेल पहुंचाएंगे। आपको लग रहा है दुष्कर्म हुआ लड़की के साथ? जिस हालत में आपने? मैंने देखा, मैं खुद उठा के लाया। सफाई की है? माँ कहाँ है? माँ? मम्मी खत्म हो गई। अच्छा, बड़ी बहन है? बड़ी बहन है। यू खड़ी, आपने देखा था जी? आपको लग रहा है गलत हुआ है? हाँ जी, मैं पक्का कह सकती हूँ उसके साथ। आपको पता होगा क्या? हाँ जी, मैं पक्का कह सकती हूँ उसके साथ। तो मैं यहाँ से ढंग से मेडिकल होना चाहिए था ना उसका? मेडिकल होना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ कागज नहीं दिया, मैं अभी ऐसे ही ले गई है। जब बयान होते ले गए थे कि नहीं वहाँ पे? वहाँ नहीं लेके गए, अभी तक थाने ले गए। थाने लेके गए, और मैं जब गेट के पास, मतलब कि मैं उस लड़की को उतरवा रही थी, मैंने कहा एक मिनट के लिए उतर जा, तो मुझे धक्का दे दिया था मैडम ने कि तू हट जा यहाँ से। जब उसको धक्का दे दिया, अगर इसके कुछ हो जाता, वो प्रेग्नेंट है वो लड़की, और मुझे धमकी दे, मुझसे बोलती है वो मैडम, उसे कहती है कि तुम लड़के की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो। और वो 12 साल के लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी उसके साथ जब रेप हुआ है तो? पुलिस वाले लड़के के पक्ष ले रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा, हमारी पक्ष कोई नहीं ले रहा, हमारी पक्ष कोई नहीं ले रहा मैडम जी, बिल्कुल भी। और सीधा सीधा ये बोल रहे कि तुम जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ करके। हाँ जी, हम पीड़ित परिवार को साथ लेके जा रहे हैं, और पहले थाने जाके हम पूछेंगे उस आईओ से, जो मैडम है। पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ आईओ ऐसे होते हैं जो छवि खराब करने का प्रशासन का काम करते हैं। हम उस आईओ से बात करेंगे, और इस परिवार को हम साथ, इन्होंने मुझे फोन किया, अभी आपने किया, इन्होंने मुझे बुलाया। आपको बता दो कि 12 साल की बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया जा रहा है, 2 से 3 जो है लड़के बताए जा रहे हैं, परिवार वाले हैं यहाँ पे, और जो आयु है जो है उन पे भी आरोप है कि जो पीड़ित है उनके साथ भी सवाल जवाब उनसे भी, बच्ची जो है जो पीड़ित है उसे डराया जा रहा है, वो बात करेंगे। लड़का है कौन, भाई कही है? जानते हो आप? हम भी जानते हैं जी, गली कही है कोई? आप कैसे मुसलमान है लड़का?
हाँ जी, लड़का मुसलमान है, वहीं पे रहता था वो भी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हाँ जी, पहले किराए पे रहते थे वो पहचाने तो जब चलते पुलिस वाले उस लड़के को दिखाए, उस लड़के को नहीं दिखाया जा रहा, दूसरे में बैठा रखा थाने, दूसरे थाने में बैठा रखा, ऑटो पकड़ रखा, सब कुछ पकड़ रखा। अंदर अभी मेरा भी खुद पेशेंट है, मैं अंदर डॉक्टर के पास था, इसके पिताजी को वो लेडीज कांस्टेबल थी या एडवोकेट थी पता नहीं मुझे, क्योंकि एडवोकेट के कपड़ों में थी वो। हाँ, इसके पिताजी को और बच्ची को उसको धमका रहे थे बहुत ज्यादा वो। हाँ, कि तुमने मीडिया क्यों बुलाया, मीडिया क्यों बुलाया। और उसके बाद ये भी कह रही थी कि भाई अपनी बात रखे भी ना उसको। हाँ, नहीं, उसको ये भी कह रही थी कि भाई यहाँ पे इसको कुछ हुआ ही नहीं है, मेडिकल में कुछ आया ही नहीं, अभी पता पड़ जाएगी 10 मिनट में, अभी हम जा रहे हैं, नहीं तो हम आला अधिकारी से बात करेंगे। मैडम ये और बोल रही है कौन वीडियो वाला है, बुला के लेकर जा, मैं देखती वीडियो वाला, तो धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, मेरे को धमकी दे रहे हैं, उसके बाप को धक्का मार के चले गए, लड़की का हाथ पकड़ के गेट बंद कर लिया। हाँ जी, मेडिकल ठीक नहीं हुआ होगा तो फिर से तो देख सकते हैं कि जो पीड़ित है उसके साथ ही जो उन्हें धमकी दी जा रही है, बच्ची को भी डराया गया, बच्ची को डराया गया, बच्ची से बोला जैसे हम बोल रहे वैसे बोला, पुलिस वाले कह रहे ऐसे नहीं बोलेंगे तो करंट लगा देंगे। सही तरीके से जैसे बात करनी चाहिए, लड़की हमसे बात नहीं कर पा रही है। आप लोग बात करी बच्ची से, नहीं करने दे रहे, लड़की से बात नहीं करने दे रहे, उसे अपने साथ रख रहे थे, हम बोलते उससे थोड़ी देर उनसे बात करा दो तो मना कर देते कि अभी नहीं करनी तुम्हें बात। जो इंचार्ज है वो आपकी इंचार्ज है, वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहे जी मैडम, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहे, हमारी लड़की हमारे को नहीं लेके जा रहे। बच्ची से क्या कह रहे, बच्चे से कह रहे तेरे बाप को जेल भेज देंगे, तेरी बहन को जेल भेज देंगे, चल तू तुझे मैं बताऊंगी करंट लगाऊंगी। हाँ, बच्चे को धमका रहे, बच्चे रोती हुई यहाँ से गई, वैसे बोलेगी तू अगर तूने कुछ भी अपने तरफ से बोला, उसे भरने में उस लड़की को उल्टा सीधा भर रहे, जो सच्चाई है उसके सामने नहीं आने दे रहे, जो सच्चाई है। तो देख सकते हैं परिवार वाले जिसके साथ दुष्कर्म, जो बच्ची 12 साल की बच्ची है वो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, करीबन 2 से 3 लड़के बताए जा रहे हैं, और जो इसका इंचार्ज है जो थाने में कार्रवाई कर रहे हैं वो ही बच्ची को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन पे दबाव डाला जा रहा है, आप पर दबाव डाला जा रहा है। हाँ जी, हमें फैसले के लिए दबाव डाला जा रहा है, ये पुलिस वाले कह रहे हैं हमसे, और हम फैसले के लिए राजी नहीं है। हाँ जी, हमें गुनहगार सजा दिलवानी है, हमें फैसला नहीं करना है। देख सकते हैं जो बच्ची है उसको जो उसका जो गलत हुआ है, पुलिस वाले तो परिवार पे दबाव डाल रहे हैं फैसला करने के लिए, लेकिन परिवार चाहता है जो गुनहगार है उन्हें सजा मिले, क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है, और बड़ा आरोप जो है बच्ची जो है दुष्कर्म का आरोप लगा जाए कि 2 से 3 लोग थे जिन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, ऑटो में बैठा कर बच्ची को ले जाते हैं और फिर उसके साथ दुष्कर्म करके उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। परिवार चाहता है इसका उचित कार्यवाही हो और बच्ची को इंसाफ मिले। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100, मैं पूजा भारद्वाज, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।